इस लिस्ट में एक और एक्टर है, द एवर स्माइलिंग गोविंदा। 1986 में इल्जाम नाम की फिल्म से अपने करियर की शुरुआत करने वाले इस एक्टर ने अब तक 160 से भी ज्यादा फिल्में की हैं। ये सिर्फ अपनी कॉमिक टाइमिंग के लिए ही नहीं बल्कि सेल्फ क्रिएटेड डांस स्टाइल के लिए भी उतने ही पॉपुलर हैं, जिसे लोग कहते हैं गोविंदा स्टाइल। मेरे बाप को मैंने देखा बांद्रा स्टेशन पे, तो बोला अंकल नमस्ते। बापू बोला बेटा घर को आना, चाय पी तू जाना। इसका मतलब तेरी मेरी फैमिली को इसका मंजूर, चल पिक्चर पर चलते। क्या बजा रहे ला बाप? अर्जुन देव सिंह गिटार करंट मार रहे ला। इनके हाथ कई सारी हिट फिल्में तो लगी मगर फिल्म फेयर की ट्रॉफी हाथ नहीं लग पाई। साजन चले ससुराल फिल्म के लिए गोविंदा को फिल्म फेयर स्पेशल अवार्ड जरूर मिला। साथ ही फिल्म हसीना मान जाएगी के लिए इन्हें मिला बेस्ट एक्टर इन अ कॉमिक रोल का अवार्ड। इसी तरह से शुरुआत तो हुई वरना मैंने सोचा था कि मेरे सदगुरु देव धर्म पापा जी की तरह मुझे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ही मिलेगा। गोविंदा एक लाजवाब एक्टर जिन्होंने हिंदी सिनेमा में सबसे ज्यादा डबल रोल किए हैं, वो आज भी अपने सिंगल फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड के लिए इंतजार कर रहे हैं।